ये पता भी नहीं था वो बर्तन धुलवाए हैं जिस तरीके से मुंह बना रस्टेड होके घर पे आए मांग भरा जा रहा मुझे सुकून मिल रहा है शादी का बात होता है छोड़ के जा रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आज तो कोई तो आया है हमारे घर में। एक्चुअली अनिता दीदी आई है, मेरी सबसे बड़ी वाली बहन। मतलब शादी के बाद ना दीदी शायद दूसरी बार आ रही है। एक बार तो आई थी रस्म के लिए और आज आई है दूसरी बार। वो एक्चुअली बनारस गई थी और रास्ते में हमारा घर पड़ गया तो वो आ गई। ऐसे नहीं आती वो, जबकि ज्यादा दूर नहीं, पास में रहती है। चलिए चल के आपको मिलवाते हैं। ये लड़की रात को पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी थी हमारे बीच, सुबह से काम में लगी हुई और सुबह से काम में लगी है। भाई मैं इतना खुला घूम रही हूँ ना, मत पूछो। स्टेट हो गई हूँ मैं। चलिए अनिता दी का यहाँ आने का रीजन है, ये बनारस गई थी और रात को आई है। ये थक हार के बेचारी, और रात को आते आते ही हमने पहले इसे काम करवाया है। बचे खुचे जो बर्तन थे वो बर्तन धुलवाए हैं और उसके बाद छुट्टी पे भेज दिया है। नौकर को छुट्टी पे भेज दिया है। आज से ये काम करेगी हमारे घर में, है ना? एक घंटा सिर्फ, एक घंटा। और पैसा लेगी कितना अनिता दी? पैसा नहीं बेचारी। शादी के बाद पहली बार अनिता दीदी को इस घर में काम करने का मौका मिला है और आने का मौका मिला है। काम करने का मौका इसको नहीं चाहिए। चली गई थी बेचारी। नहीं, इसको मौका नहीं चाहिए। अगर मौका काम करने का चाहिए तो नहीं चाहिए इसको। शिवम सुबह सुबह उठ चुके हैं और शिवम नया थोड़ी उठ रहा हूँ, हमेशा उठता हूँ। बोल रही हूँ तो बोलने दिया करना पूरा। सॉरी भाई, बाबा शिवम जिस तरीके से मुंह बनाया था ना, ये स्टाइल मम्मी का है। मम्मी जब खूंखार तरीके से मारने वाली होती है ना तो ऐसा मुंह बनाती है। और उसके बाद कंगन को एस्यूम कैसे ऊपर चढ़ाएगी, ऐसे चूरी को ऊपर चढ़ाएगा। उसके बाद ले ले ले, चाय एक बार और पियोगे? नहीं यार, चाय नहीं। एक बार वैसे हम पी चुके हैं लेकिन मेरा दोबारा ट्रिप लगने वाला है। दादी को देखो, वहाँ पे सब्जी काट रही है। सब्जी नहीं, भुजिया, क्योंकि सब्जी अनिता दीदी तो बना चुकी है। एक और चीज बनेगा, भुजिया। तो दादी काट रही है वो। ये फूल ना अद्भुत है, रोज 2-3 खिल जाता है। देखो आज भी खिल गया और इसका कली देखो गिर गया है नीचे। क्या दिक्कत है भाई तुमको? ये मत डाल देना भाई, बहुत बदसूरत आया। चाय अच्छा बनाया। तुम जताना क्या चाहती हो जी, कि पूरे घर में आपको एंट्री नहीं मिली है? नहीं, हम धाम पे गए थे, सीसा बिंदी हाँ काजल टिकुली सब लेके, लेकिन हम धाम पे मेरे जाना का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए फ्रस्ट्रेट होके घर पे आए हैं। घर को धाम समझ रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला है। मूड खराब हो गया है बहुत ज्यादा। और ऊपर से अनिता जी को भी प्रेशर है कि आप आज ही निकल पड़े घर की ओर, ससुराल की ओर। कहाँ ये लड़की को कितना नफरत था शादी से। शौक से मांग भरा जा रहा है, पति गाली देने लगता है। चुप रहो पूजा। इसलिए मैंने कहा है पेपर पे साइन करे, नहीं तो मैं रोज मांग भरना भूल जाऊंगी। मेरे सिर में बाल नहीं है क्योंकि। अच्छा, मतलब पूजा दी को सिंदूर लगाना पसंद नहीं है? बाल नहीं है, जो वो आता है टकला पे भी लगाता है। हाँ, हम अपने पति को लगा देंगे, घने बाल वाला खोज के लौंडा। घने बाल वाला लौंडा क्या है, मैं नहीं तुम लगा लो, बात खत्म हो गई। अनिता दी की एक चीज से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये इतनी गोरी क्यों हो गई यार? घर के अंदर रहते हैं तो सबको पता है, गोरी क्यों हो गई इतनी? धूप नसीब नहीं होता ना, धूप ना नसीब। धूप वाला दवाई खेला हम, विटामिन डी, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी खाती है ये, इसको धूप नहीं लगता। दो दिन इस कैंपस में घूम लोगी तुम्हारा सारा पता चलेगा, डॉक्टर कह रहा है अब रोक दीजिए, विटामिन डी ज्यादा हो गया है। बिहार का फेमस सिंदूर है ना? बिहार का फेमस नहीं, बिहार का ओरिजिनल ऑथेंटिक सिंदूर है जो नई दुल्हन लगाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लाल सिंदूर क्यों नहीं लगाया, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, बिहार में जिसकी शादी होती है वो ऐसी सिंदूर लगाती है और जो लाल लगाती है वो लगभग फेक माना जाता है। हाँ, मतलब फैशन में लोग लगाते हैं। अगर आप बिहार के हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बिहार का लड़का है जिससे आपकी शादी हुई है तो आपको इसी कलर का, यही नहीं भाई, बहुत में आप लोग देखोगे इसीलिए सिर्फ यही कलर का सिंदूर आपको दिखेगा। बहुत जगह बिहार में ना इस कलर का भी सिंदूर लगाते हैं, है ना? मिथिला में, हाँ मिथिला में 5 या 7 रंग का सिंदूर चलता है। हाँ, टाइप्स ऑफ सिंदूर होते हैं बहुत ज्यादा। यार ये जो पेड़ का छाव है ना, इतना प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है, एकदम परफेक्ट छाव लग रहा है। ऐसा देख के लग रहा है ना कैमरे में कि आगे रास्ता है। काफी टाइम के बाद मुझे सुकून मिल रहा है क्योंकि अनिता दीदी बिना ताना दिए काम कर रही है। अनिता दीदी देखो, पूजा दी होती है ना, खाना दे दे के इतनी दे के खाना बनाती है। घर में तुमको रहना है तो रहना है, तो क्या दिक्कत है? बहुत कुछ बना रही है आज की डिश में, 3 सब्जी, 3 सब्जी, एक फ्राई कर रही है आलू। ये देखो ये बन चुका है आलू परवल, ये आलू बना रही है और इसके बाद बनेगा ये भिंडी। वाह भाई, ये लड़की भी गिनवा रही है, कह रही है ये भी बोलो कि रायता भी बना रही हूँ मैं। वाह, रायता बनेगा, रायता में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि रायता मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये है रायता का मटेरियल। अच्छा, रायता का मसाला है ये, लड़की आलू भिंडी का मसाला बोल रही है। ये मसाला डालेगी रायता में, आलू भिंडी में बोल रही है वो डालेगी। नहीं, रायता में।
अच्छा रायता में डालेगी। ओहो आ गई थी मैं बाहर, शिवम का कोई पार्सल आया था वही लेने के लिए। पार्सल मैंने ले लिया है, एक पेड़ वाला पार्सल था जो कि नहीं लिया मैंने। अनीता दीदी काफी टाइम बाद गेट के बाहर निकली है, ये जा रही है इस खेत को घूमने और केला का पत्ता तोड़ने, है ना, क्योंकि ये अपने अपने घर वालों को केले के पत्ते पे खाना खिलाएगी है। चलिए बेधड़क चलिए और ध्यान से उतरिए, नहीं तो डमरू जैसी हैं आप, कभी भी पलट जाएंगी। अनीता दीदी का हाइट भाई मुझसे भी छोटा है, सोचो घर में घर में सबसे बौनी मैं हूँ, सोचो ये लड़की मुझसे भी बौनी है। ये वाला अनीता दीदी, नहीं 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 नहीं, ये हम काट रहे हैं, रुक जाओ, इस पे हो जाएगा ना, सबका नहीं होगा, एक पकड़ो फिर पकड़ो, देखना टूटे नहीं। पापा भी खाएंगे, पापा भी खाएंगे, आज सब लोग पता नहीं क्यों तमिल स्टाइल में, पता नहीं क्यों मेरे घर वाले भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। कहाँ से तोड़े, अरे इसके बाल वाला तोड़ो, नहीं 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 ये देखिए दोनों पत्ता, ये पत्ता भी अनीता दीदी से लंबा है। अनीता दीदी चला चुपचाप, उसके बाद अब देखना अनीता दीदी बताएगी मुझे, बट दिन बिना लो नहीं हो सकता है। नहीं है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है। अरे अब तो हो गया, मेन शादी का बात होता है, शादी तो हो गया, अब क्या, अब तुम चाहे धूप में काम कर करके काली पड़ जाओ या तुम्हारा हाइट और नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पीस पीस काटना है अभी, खाने नहीं थे। हाँ, आओ। ये पत्ता लेके ऐसे खड़ी है जैसे इसी ने काटा हो और इसी ने धोया हो, है नहीं, लेकिन देखो कितना पीस हो गया, 1, 2, 3 और ये 4 पीस हो गया। चलो अब अनीता दीदी को खाना खिलाएंगे, इस पे खाइएगा ना। तब वो टाइम आ गया जब मेरी बटली बहन मुझे छोड़ के जा रही है। यार एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कमेंट बॉक्स में ना बताना जरूर कि क्या सच में कहाँ से आ गई तुम, क्या आपके घर में बेटी विदाई होती है तो आप रोते हैं? हम तो नहीं रोते हैं भाई, हम तो चाहते हैं कि चाय ही है, क्योंकि अनीता दीदी जब गई थी ना इसका रूम मेरा हो गया था, तो इसलिए इसके जाने से मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। अब मेरा एक मुद्दे पे आते हैं, क्या आपको सच में लगता है कि हम दोनों का शक्ल मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा और इसका शक्ल मिलता है। अब एक चीज बता दूं मैं कि घर में सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी मैं हूँ, बाकी जो बीच के आते हैं ना उनका कोई वैल्यू नहीं है, असली वैल्यू हमारा ही है। नहीं दादी बाय कर दो, ये भी बोलो कि दोनों की साइज बराबर है। ये थोड़ी सी कम है बेचारी तो मुझे, लेकिन बिल्कुल दुख नहीं होता। जा रही है अनीता दीदी, अब जाओ, गाड़ी बाहर वेट कर रहा है अनीता दीदी का, जाते हुए दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अनीता दीदी के साथ में, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए आई, अब जा रही है। मैं चाह रही थी कि आराम से अनीता दीदी 1-2 महीना रुके, लेकिन इनके जो घर वाले हैं वो इनसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, इसलिए इनको आने ही नहीं देते। नहीं मतलब एक्चुअल में जो अनीता दीदी की सासू माँ है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, वो जाने ही नहीं देती अनीता दीदी को, वो कहती है क्या कि तुम लोग आ जाओ, बट मैं इसको नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ, अनीता दीदी को छोड़ के आती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। आइए आइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आप ही की कमी थी, गुड मॉर्निंग। एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, और अनीता दीदी के जाने के बाद अभी इन दोनों बच्चों को परमिशन मिला है बाहर निकलने का। अभी ना मेरे साथ कांड हो गया, 2 सांप दिखा मुझे, मतलब एक तो दिखा तो कोई बात नहीं, दूसरा दिखा तो भी कोई बात नहीं, तीसरे की इतनी हिम्मत मेरे पैर पे आके चढ़ के निकल गया, छेड़ा है उसने मुझे। मतलब जानबूझ के उसकाया है कि आओ मेरा वीडियो बनाओ, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है लेकिन लंबे फॉर्म में बनाया है। तो अनीता दीदी चली गई और अनीता दीदी के जाने के बाद मैं इधर घूम रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा यार, आई थी मैं, हम लोग का बहुत ज्यादा मन था कि वो हमारे साथ रुक जाए, बट नहीं रुक पाई, तो कोई नहीं फिर से आ जाएगी, जल्दी आएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।